ओम शांति। भिलाई में वाणी चल रही थी 13/2/64 की, गुरुवार, आठवें पेज के मध्याद में बात चल रही थी ब्रह्म मुहूर्त ये ईश्वरीय वेला है, इस समय में सबको ईश्वर को याद करना है। तुम देखेंगे भगत भी सुबह को 3 बजे 4 बजे 5 बजे भजन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। तुमको फिर क्या है, तुमको तो कोई भजन भक्ति करना नहीं है, सिर्फ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है, बाबा की महिमा करनी है। बाबा आपने तो कमाल कर दिया, हमको 21 जन्म के लिए सुख देते हो। बाबा आप पर बलिहार जाऊं तो बलिहार जाएंगे या सिर्फ मुख से कहते रहेंगे? बलिहारी जाऊं माना बलिहार जाना है। ये सारी बातें भक्ति मार्ग में आती हैं कि तुम आओ तो हम बलिहारी जाएंगे। फिर मेरा तो एक दूसरा न कोई, ऐसे होगा ना तो ये गायन चला आता है। कहां से गायन चला आता है? गायन पूजन यादगार त्योहार कहां से आते हैं? संगम युग की शूटिंग से ही आते हैं। जैसे और पर्व आते हैं ना, अच्छे अच्छे दिन, क्या कहते हैं उनको, बड़े दिन आते हैं याद करने के। तो बाप कहते हैं कि बच्चे अभी तो तुम्हारे बहुत ही बड़े दिन हैं, तो तुमको कोई दुनिया के मुआफिक नहीं मनाना है, दुनिया के मुआफिक कुछ भी नहीं मनाना, तुम्हारे तो सबसे बड़े दिन हैं, क्योंकि जिसको मनाते हैं वो वर्ष फिर से भूल जाते हैं। और तुम्हारे तो सन्मुख बैठे हुए हैं शिव बाबा, वहां भक्ति मार्ग में सिर्फ मनाते हैं, शिव बाबा कोई सन्मुख थोड़े ही होता है। यहां तो सब कुछ सन्मुख ही सन्मुख है। तो हर एक बात को तुम जैसे जान गए हो, ये कौन है, रामचंद्र कौन है, ये हम जानते हैं। ये रामचंद्र यहां नापास हो जाएंगे, ये नापास हुआ है ना, कब नापास हुआ है? पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में?
कहेंगे पास्ट में संगम युग में ना पास हुआ। देखो ये बात तुम जानते हो ना, बरोबर माया को जीतने के लिए जो बाप ने आकर युद्ध के मैदान में ये सुनाया, तो देखो रामचंद्र और सीता वगैरह जो भी क्षत्रिय कुल हैं वो इसीलिए नापास हो गए थे। वो देखो कितना राज है, ये सभी राज और कोई बच्चों में थोड़े ही रहते हैं। जिन जिन में बाबा कहते हैं सब में नहीं है, कोई तो एकदम खाली खाली है। अभी समझते हैं कि जितना तुम दिन में रहेंगे याद में रहेंगे उनका असर रहेगा, तो सवेरे सवेरे की तुम लोगों में ये टेव होनी चाहिए कि उठ करके बैठ जाना है। बाबा अनुभव करते हैं कि खाने पर बैठते हैं तो याद में खाते खाते एक दो मिनट के पीछे भूल ही जाते हैं। तो बाबा अपनी भी तो बात बताते हैं कि भूल जाते हैं, उस भक्ति मार्ग में भी भूल जाते हैं। रात को भी बाबा को याद करते करते बच्चे भूल जाते हैं, फिर भी अमृत वेले में कोशिश करनी चाहिए क्योंकि माया तो छोड़ती नहीं है, न दिन में न रात में। इसलिए इस याद में बहुत पुरुषार्थ चाहिए, उसमें भी सबसे अच्छा पुरुषार्थ काम में आता है सवेरे का अमृत वेले रात को बाबा से बातें करना। 13 फरवरी 1964 की वाणी का 9वां पेज। सर्विस कैसे करें, कैसे दूसरों को बतावें, हमारी सर्विस में कितने हंगामे हैं, नई नई बातें हैं कैसे समझावें। तो रात को बैठ करके चिंतन करने से बुद्धि में मक्खन भर जाता है। जब मक्खन रात को भरेगा तब सुबह को डिलीवरी होगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। बहुत ब्रह्मा कुमारियां रात को तो अच्छी तरह से सो जाती हैं और दिन में खा लेती है, विचार सागर मंथन तो होता ही नहीं, फिर वो पॉइंट की धारणा ही नहीं होती है। बाबा खुद अपने अनुभव से बताते हैं कि कितनी पॉइंट रात को बड़ी अच्छी अच्छी आती है, कि उस पॉइंट को हम सुबह को बताएंगे परंतु सुबह को भूल जाते हैं, फिर कितना भी माथा मारते हैं तो कोई एक दो याद आ जाती है और कितनी पॉइंट गुम हो जाती है। कभी कभी पेंसिल रखी रहती है तो दो चार नोट कर लेता हूं। ऐसे बॉम्बे में बाबा बहुत करते थे क्योंकि वहां बहुत होते थे ना, बहुतों को दृष्टि देनी पड़ती थी, उन लोगों की अवस्थाएं वगैरह बहुत सुनते थे, यहां वहां सुनते ही रहते थे, आते थे बहुत।
उनको समझाने के लिए अभी ये पॉइंट्स बैठ करके लिखे हैं, ये तो जो सर्विस लेवल पर होंगे वो ही करेंगे, बाकी तो मुश्किल ही है। नहीं तो इसमें फायदा बहुत है, हेर पड़ जाएगी, टेव पड़ जाएगी। पीछे देखो कितने फर्स्ट क्लास सर्विस लेवल बन जाते हैं, कोई भी आएगा झट उनको खींच लेंगे, क्योंकि उनमें खींचने की ताकत रहती है ना, योग में रहते हैं। योग में रहने से ही कोई को खींचा जा सकता है। फिर उनको बैठ करके बाप का परिचय दो कि तुम अपने बाप को जानते हो, तुम आत्मा हो ना, शरीर तो नहीं हो, शरीर का बाप तो एक जन्म के लिए होता है और आत्मा का बाप ये तो जन्म जन्मांतर का बाप है, वो तो स्वर्ग का वर्षा देने वाला बेहद का बाप है, स्वर्ग की रचना रचने वाला है, नरक की दुखी दुख की दुनिया रचने वाला नहीं है। बोलो बच्चे कुछ चाहिए, कोई भी आवे उनको यही समझाना पड़ता है कि भाई बेहद के बाप को जानते हो, बेहद का बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, बाकी जो हद के बाप होते हैं जन्म जन्मांतर के अलग अलग 84 जन्मों के 84 बाप होते हैं, वो कोई सुख की दुनिया की स्थापना नहीं करते हैं। स्वर्ग में भी जो देवताएं होते वो तो खुद ही नीचे गिरते जाते हैं। बाकी द्वापर कलयुग में जो बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं उनके आने से भी दुनिया नीचे गिरती जाती है। तो सुख की दुनिया की स्थापना कहां करते हैं? एक ही बेहद का बाप है जो सुख की दुनिया स्वर्ग की स्थापना करते हैं। देखो हम तो अनुभवी हैं, जानते हैं कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। इसके लिए बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये गीता के अक्षर जो मनुष्य सुनाते हैं अभी बाप बैठ करके समझाते हैं। इन गीता के अक्षरों की सच्ची सच्ची वास्तविक समझानी तो कोई दे ही नहीं सकता। वो मनुष्य पिछाड़ी में भक्ति मार्ग में सुनाते हैं और बाप सुना कर गया था, तो वो ही बाप अब हमको सुना रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि तुम मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। देखो तुम्हें बाप को याद करना है तो निराकार की तरफ में कोई भी गीता वाला नहीं ले जाएगा। कहां ले जाते हैं? वो तो साकार कृष्ण की तरफ ले जाते हैं। तो किसको समझाने को बहुत सहज है कि अपनी आत्मा के बाप को जानते हो, शरीर के बाप को तो सब जानते हैं, बस
समझाने के दो अक्षर अच्छे अच्छे हैं। अब जरूर बेहद के बाप से भी वर्षा मिलता होगा। देखो ये चित्र रखा है ना, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इनको स्वर्ग का वर्षा किसका मिला हुआ है? अभी हम जानते हैं कि बाप ये वर्षा देने वाला है, अभी संगम युग में ही दिया था, अभी इनका वर्षा 84 जन्म में पूरा हो गया है। किनका? लक्ष्मी नारायण का जो वर्षा बाप से मिला था वो कितने जन्म जब तक चलता है? लक्ष्मी नारायण को जो बाप से वर्षा मिला था, बेहद के बाप से, वो वर्षा कितने जन्म तक चलता है? 21 जन्म तो पक्का है, परंतु लक्ष्मी नारायण तो पूरी श्रीमत पर चलते हैं या अधूरे चलते हैं? हैं? तो अगर पूरी श्रीमत पर चलें तो 21 जन्म का ही मिलेगा सुख का वर्षा, या जास्ती मिलेगा? जास्ती भी मिल सकता है। तो बताया इनका वर्षा 84 जन्म में पूरा हुआ, और इनके बाद जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर आए उनका वर्षा इनके मुकाबले कम होगा, बराबर होगा या जास्ती होगा? कम ही होता जाएगा। तो वो ही लक्ष्मी नारायण फिर से वर्षा ले रहे हैं, जो कल पूर्व नर से नारायण बने थे, नारी से लक्ष्मी बने थे। ऐसी ऐसी बातें ध्यान में ले आ करके सर्विस करनी पड़ती है। तो जिसको सर्विस का शौक होता है वो पीछे रहता थोड़े ही है। पीछे माने बाद में, पहले पहले जब ज्ञान में आते हैं, बाप का परिचय मिलता है, निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बुद्धि सतो प्रदान होती है, अच्छी सर्विस कर सकते हैं। फिर बाद में ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है औरों की बातें सुनते जाते हैं, औरों की मत मिक्स कर देते हैं शिव बाबा की मत में, या तो मन मत मिक्स कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट होता है? सर्विस उतनी ही अच्छी करेंगे या सर्विस ढीली पड़ जाएगी? ढीली पड़ जाती है। तो देखो कहां भी रहो, सर्विस का जिनको शौक होगा, तुम लोग कहेंगे आबो में सर्विस नहीं है। क्या तुम लोग कहेंगे आबू में सर्विस नहीं है? कोई सुनते ही नहीं है। हद के आबू में या बेहद के आबू में भी? हद का आबू कौन सा है? माउंट आबू। अभी कहें कि हद का आबू है,
अंत में कहेंगे बेहद काबू। लेकिन बेहद भी दो प्रकार के बच्चों के लिए, एक है रुद्र के बच्चे, शिवबाग के बच्चे, और दूसरे हैं ज्ञान चंद्रमा के बच्चे। तो जो रुद्र बाप के बच्चे हैं वो पहाड़ी पर बैठे बैठे ज्ञान लेते हैं या सर्विस फील्ड में भी लेते हैं? हाँ, जितना जितना सर्विस फील्ड में रहते हैं तो मनसा सर्विस में ही लगी रहती है, मंथन करते रहेंगे। जितनी सर्विस करेंगे उतना विचार सागर मंथन भी जास्ती होगा, और विचार सागर मंथन जास्ती होगा तो बाप की पहचान भी जास्ती होती जाएगी। तो तुम लोग कहेंगे आबू में सर्विस नहीं है, रुद्रमाला के मणके जहां तैयार होते हैं बीज रूप आत्माएं जिनमें बाप ज्ञान का बीज डालते हैं वो कहां डालते हैं? आबू में डालते हैं, हद के माउंट आबू में डालते हैं क्या? नहीं। शिव बाबा के मंदिर में दो प्रकार के पक्षी देखे जाते हैं, एक कबूतर और दूसरे तोते। शास्त्रों में भी आया है जो कबूतर होते हैं उनके गले में संदेश बांधा जाता है, तो संदेश गले में जो बांधा गया वो दूसरे राज्य में ले जाते हैं। कहते हैं ना गले पड़ गया, माना चाहते नहीं है, सेवा की इच्छा नहीं है लेकिन करना पड़ता है, तो वो कबूतर बुद्धि है जो माउंट आबू में ही बुद्धि धरी रहती है, हद के माउंट आबू में। और जो तोते होते हैं वो थोड़ा समय मंदिर में रहते हैं, कथा सुनते हैं और बाहर जाकर चारों ओर आवाज कर देते हैं, ज्ञान की आवाज चारों तरफ फैला देते हैं, इसलिए उनके गले में कंठी पड़ी होती है ज्ञान की। तुम कहेंगे आबू में सर्विस नहीं है, न वो स्थूल आबू में और न उस आबू में जहां आदि से लेकर के अंत तक गंध ही लगा पड़ा रहता है। मैं बोलता हूं आबू में जहां तहां बहुत सर्विस है। क्या? कौन से आबू में हैं? कौन से आबू में जहां तहां बहुत सर्विस है? माउंट आबू नहीं, हद के पहाड़ पर नहीं, जो बेहद का पहाड़ है जहां ऊंची स्टेज में रहते हैं मन बुद्धि रूपी आत्मा से, वहां बहुत सर्विस है। सर्विस करने का ढंग चाहिए, ढंग ठीक नहीं होता है तो कोई सुनता ही नहीं है। युक्ति चाहिए और गाली भी तो खानी पड़ती है ना। क्या? सर्विस करने वालों को गाली भी खानी पड़ती है
ऐसे थोड़े ही है कि नहीं खानी पड़ती है, गाली खानी पड़े कोई हर्जा नहीं है। क्यों? अरे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, जो बाबा के राजयोगी बच्चे हैं, राजयोग सीख करके राजा जन्म जन्मांतर बनते हैं, तो राजा बनकर के दूसरों को दुख दिया होगा या नहीं दिया होगा, वो सारा हिसाब किताब अभी पूरा हो जाता है। जो राजा होते हैं अहंकार में आकर के कितना उलझल उल बोलते हैं, तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब तुम्हारा पूरा होता है, इसलिए कोई हर्जा नहीं है कि गाली खानी पड़ेगी। तो भी देखो तुम्हारे चित्र ऐसे ऐसे निकलते हैं, जो कहां भी जाओ किसके पास भी जाकर के समझाओ, क्योंकि तुमको तो बाप का ही परिचय देना है। है तो वो स्वर्ग का रचयिता, जिस बाप का परिचय देना है वो नरक का रचयिता नहीं है, स्वर्ग का रचयिता है। 13-2-64 की वाणी का 10वां पेज। तो बाप को याद करना है, क्योंकि ये अक्षर गीता में बहुत प्रसिद्ध है। क्या है गीता में, कौन सा अक्षर है संस्कृत गीता में? अरे अच्छा पुराने ही बता दो है? अरे मन मना भव मध्याजी मामेव नमस्कुरु, क्या करो, मेरे मन में समा जा, मत मना मेरे, मना माने मन में, भव माने हो जा, अर्थात मेरे मन में जो संकल्प है अथवा जितने भी संकल्प हैं वो सब तेरे मन में संकल्प आ जाए, दूसरा कोई संकल्प ना आवे। तो मन मना बब हुए, फिर दूसरी सीढ़ी आती है, जब मन मना बहु हुए तो मध्याजी भव, मेरे लिए यजन करने वाला बन। यजन करना माने यज्ञ करना, यज्ञ करना माने सेवा करना। ईश्वरीय सेवा में तन की, मन की, धन की, समय की, संपर्क की, संबंधों की स्वाहा, क्या करें तन मन धन को, ईश्वरीय सेवा में स्वाहा, यजन करें अर्थात यज्ञ करें। इसको कहते हैं मध्याजी भव, याजी माने यज्ञ करने वाला भव। वो मनुष्य सुनाते हैं और यहां बाप सुनाते हैं, क्या वो संस्कृत गीता मनुष्य सुनाते हैं और यहां यहां बाप सुनाते हैं। तो बोलो बाप अभी सुनाते हैं और किसी युग में नहीं सुनाते हैं? भगवान आकर के बच्चों को सुनाते हैं मन मना भव, क्या तेरे मन में क्या चले, कौन से संकल्पों का बीज पड़े, जो मेरे मन में है वो ही तुम्हारे मन में संकल्पों का बीज पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे संकल्प होंगे वैसी फिर बाचा चलेगी। संकल्प तो बीज है ना, बीज आम का होगा तो वृक्ष आम का ही होगा, बीज बबूल का होगा तो वृक्ष बड़े बड़े कांटों वाले बबूल का ही होगा। तो मेरे मन में जो संकल्प है वो ही तेरे मन में संकल्प होने चाहिए। बाबा हाँ हाँ हैं मध्याजी मत
याजी, याजी माने यजन करने वाला, यजन, यजन से बनता है याजी। यजन करना माने यज्ञ करना, याजी माना यज्ञ करने वाला। हाँ है? क्या बोला? कोई सोच रहा है, कोई सोच रहा है। हाँ तो बताना चाहिए, बाप सुनाते हैं मन मना भव, ये बात कृष्ण नहीं सुनाते हैं क्या कि तू मेरे मन में समा जा, ये बाप है। अगर जिनको शौक हो तो कहां भी जाकर के थोड़ी सर्विस करके देखे क्या, ये गीता ज्ञान की बातें सुनाने वाला कृष्ण बच्चा नहीं है जिसकी तुम पूजा करते हो मंदिरों में जाकर। मंदिरों में जाकर कृष्ण बच्चे की पूजा करते हैं ना, वो तो बच्चा बुद्धि है, वो कैसे ज्ञान सुनाएगा। बाप सुनाते हैं, भले गाली खाए, लोग कहेंगे ये गीता का भगवान तो कृष्ण है, ये क्या बोल रहा है। 100 में से एक को भले पकड़ लेवे जरूर, 100 को सुनाएगा तो एक जरूर पकड़ में आवेगा। परंतु इतना पुरुषार्थ करना कोई में मुश्किल है, इतना शौक भी बहुत कम है किसको समझाने का। नहीं तो क्या तुम लोग समझते हो यहाँ सर्विस नहीं है? कहाँ? आबू में। कौन से आबू में? जहाँ सारी दुनिया की बू मन बदबू आकर के इकट्ठी हो जाती है, बदबू का पहाड़ बन जाता है। कहाँ सारी दुनिया की बदबू आकर के इकट्ठी होती है? कहाँ के लोग सबसे जास्ती पतित तो बनते हैं? वो माउंट आबू के हैं? नहीं, जहाँ की रेलवे लाइन में और गांव-गांव में आज भी नाम पड़े हुए हैं, गंद 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 कायम गंद, डुड़वारे गंद, गुरु सहाय गंद, खुदा गंद, दरियाओ गंद, अहमद गंद, अलीगंज, कासगंज, सारी लाइन की लाइन भरी पड़ी है गंद ही गंद से। क्यों? वहां के लोग जितने गंदे हैं इतने दुनिया में कहीं के नहीं। बाप खुद बताते हैं, मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूं जहां के लोगों को पेट भर खाने के लिए ठीक से रोटी भी नहीं मिलती। तो देखो यहां सर्विस बहुत है। वाह, जो भी सर्विस में वहां रहते हैं, देखो बॉम्बे में मधु था, कपिल मार्केट में रहता था, क्या नाम क्या था? मधुमानी। क्या होता है मधुमानी? शहद। कपिल मार्केट में रहता था, कपिल मार्केट में अभी चित्र बना रहे हैं, जड़ या चैतन्य है? वो तो जड़ चित्रों की बात, जड़ बुद्धि वाले बच्चा बुद्धि ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली। अब चैतन्य चित्र भी तो कहीं बनाए जाते होंगे,
कहाँ? कपिल, जहाँ कपिल मुनि की भूमि है उस भूमि का नाम है कंपिल। तो बोला वो मधु कपिल मार्केट में रहता था, जहां अभी चित्र बनाए रहे हैं। अभी माने कभी? ये मुरली कब की है? 64 की। उस समय जब बोला तो सुनने वालों की बुद्धि में हद का मधु था या बेहद का मधु था? हैं? हद का मधु था। और अभी तो एडवांस ज्ञान चल रहा है, अभी कौन सा मधु होना चाहिए? बेहद का मधु होना चाहिए। कपिल मार्केट में चित्र बनाए रहे हैं, सबको जाकर के दो और समझाओ कि हम अभी इस बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। क्या ये बेहद का बाप मीठा है या कड़वा है? बहुत मीठा है, शहद जैसा मीठा। तो हम उस बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, कौन सा? इन लक्ष्मी नारायण जैसा। शास्त्रों में पांच पांडवों की बात आई है, द्रौपदी की भी बात आई है, युधिष्ठिर वगैरह की बात आई है ना, राजा द्रौपदी की बात आई है, पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न की बात आई है। कहते हैं धृष्टद्युम्न और द्रौपदी कहां से पैदा हुए? है? यज्ञ कुंड से पैदा हुए। उनकी यादगार द्रौपदी कुंड बना हुआ है, कहां? कंपिल में। तो द्रौपदी ये जो नाम लिया, इसका महाभारत में नाम बहुत प्रसिद्ध है या नहीं? बहुत प्रसिद्ध नाम है। वो द्रौपदी भी और वो पांडव भी अभी वर्षा ले रहे हैं। कैसे? ये मनुष्य वर्षा नहीं दे सकते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो करके गए हैं वो ही गाते रहते हैं, परंतु क्या करें, उनमें वो मेहनत चाहिए। इसमें लज्जा बज्जा की बात नहीं है, कोई ठुकराएगा तो कोई फिर स्तुति निंदा करेगा, कोई दो बातें हम कह देंगे तो ये सभी सहन करना पड़े। ऐसे नहीं कि कोई ने कहा और आ करके किताब रख दिया, हमसे नहीं होता। समझाने के लिए चित्र और किताब ले गए, कोई ने कुछ उल्टा पलटा बोल दिया, बस ला करके रख दिया, हमसे सेवा नहीं होती। नहीं, वो तो गीता वाले को तो कोई नहीं कुछ कह सकेंगे और तुमको तो बहुत कुछ कहेंगे, नई बात है ना? तो इसमें कुछ थक नहीं जाना चाहिए। सर्विस बहुत है, परंतु अपन को कोई सर्विस लायक भी बनावे। ऐसा रहना तो बड़ा सहज है, कहना भी बड़ा सहज है कि हम नारायण को बढ़ेंगे, फलाने को बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो देखो मेहनत बहुत है, ऐसे कभी कोई नहीं समझ सके कि कहां भी सर्विस है नहीं। दुनिया में कहीं भी जाएंगे हर जगह
हर जगह सर्विस है। नहीं बच्चे, सर्विस तो बहुत है, ढेर की ढेर है। एक ने छोड़ा, एक ने सुनना तुम्हारी बात छोड़ दिया, तो क्या करो, दूसरे को पकड़ो। पता नहीं है ये हमारे कुल का नहीं होगा तो हमें अपने कुल वाले को ढूंढना तो पड़ेगा ना, है? या हम जिनको सुनाते जाएंगे वो हमारे कुल का होगा? नहीं। जिसको कुछ न कुछ लगे, जिनको तुम सुनाओ और कुछ न कुछ सच्चा लगे, अच्छा लगे, कान हिलावे, तो समझो कि वो हमारा अपना है, हमारे कुल का है। उनको अपनाए लेना चाहिए, उनको देना चाहिए। तो जैसे कि तुम बच्चे दान करते हो, ये शौक रहता है दान देने का, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। अच्छा, आज क्या है? बच्चा है ना, तो बच्चे को क्या याद आता है? नहीं, जो बच्चा बुद्धि होते हैं उनको कुछ खाने पीने की बात याद आ जाती है। आज क्या है? गुरुवार है। गुरुवार को क्या होता है? टोली बनाई जाती है, तो बाबा को गुरुवार याद आया। आज क्या है? अरे अभी टोली देने में कुछ देरी है, यहाँ बहुत अच्छी सीधी सर्विस है। भाई ये जरूर समझते हैं कि 10, 20, 50 में कोई एक हाथ में आवेगा, ये तो बाबा खुद भी कहते हैं कि ऐसे नहीं सब कोई समझेंगे। भले कहाँ भी कोई जाओ, ग्रंथ में जाएं, टिकाने हैं ना, वहां जाएं, कहाँ भी जाकर के अच्छी तरह से समझाएं कि भाई अभी वापस जाने का समय है और सच्चे बादशाह को याद करना है, तभी तो सच्चे बादशाह के पास जा सकेंगे। उसके लिए पवित्रता जरूर चाहिए। पवित्रता बगैर तो तुम सच्चे बादशाह के पास पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो सच्चे बादशाह कोई गुरु नानक के पास नहीं जाना है। सिख तो समझते हैं सच्चा बादशाह गुरु नानक, सदगुरु गुरु नानक। तुमको तो जाना है शिव बाबा के पास, वहां से आना फिर गुरु नानक के पंथ में चले जाना। क्या? पहले शिव बाबा के पास जाना और फिर कहां जाना? गुरु नानक के जो पंथ वाले हैं, चेले हैं, ग्रंथ साहब को पढ़ने वाले हैं, उनके पास चले जाना। युक्तियां तो ढेर समझाई जाती हैं, पर पब्लिक में बाप नहीं जा सकते हैं। क्या? बाप किसके बीच जावेंगे? पब्लिक में जावेंगे या बच्चों के बीच में आवेंगे? देखो, माँ तो पब्लिक में जाती है ना, माँ जाती है तो बहुत से आ जाते हैं, माँ जाती है तो बहुत से आ जाते हैं। ऐसे तो बाबा नहीं जाते वहां। बहुत सिपाही भी आते थे, बहुत पब्लिक आती थी। सभी धर्मों के लिए एक बात बहुत अच्छी है कि भाई बाप कहते हैं अब ये नाटक पूरा होता है, अभी देह का संबंध छोड़ करके माम एकम याद करो, ये दुनिया एक बेहद का नाटक है, अब ये नाटक पूरा होता है। तुम नंगे आए थे और नंगे वापस जाना है। क्या मतलब है? जब बेहद के बाप के घर से आए थे
ब्रह्मलोक से आए थे तो तुम ये शरीर रूपी कपड़ा धारण करके नहीं आए थे, नंगी आत्मा आई थी ज्योतिबिंदु, और जब वापस जाएंगे तो भी ये शरीर रूपी कपड़े के साथ वापस नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे हैं? ये कपड़ा उतारना पड़ेगा, या तो पुरुषार्थ करके उतार लो, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ झड़ी लगा दो, या तो कर्म भोग भोग करके देह भान को छोड़ दो, या तो धर्मराज के डंडे खा करके देह भान छोड़ना पड़ेगा। जाना तो नंगा है, ये शरीर के कपड़े वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी सबका पार्ट पूरा होता है, सभी धर्मों का पार्ट पूरा होता है। ऐसे नहीं कि जो पुराने सनातन धर्म वाले हैं उनका पार्ट पूरा होता है, नहीं, सब धर्मों का पार्ट पूरा होता है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप को याद करने से तुम विकर्मों को विनाश करेंगे और उनके वर्षे को पाए लेंगे। देखो अभी अंत समय है तो चढ़ना चाहिए, क्या कोई सीढ़ी लगी हुई है जिसपे चढ़ना चाहिए है? अरे हाँ, ये उल्टी सीढ़ी है 84 जन्मों की। जितना जितना हम पुरुषार्थ में पक्के होते जाएंगे तो हम ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे, याद की अवस्था हमारी पक्की होती जाएगी। जब हम द्वापर की सीढ़ी चढ़ जावेंगे, त्रेता में कदम रखेंगे, तो क्या होगा, उसकी पहचान क्या होगी? उसकी पहचान होगी कि शरीर में से जो शक्ति छीण हो जाती है, वो शक्ति छीण होना स्त्री की भी बंद हो जाएगी और पुरुष की भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक देवभान से हमारा बहुत कुछ पीछा छूट जाए। तो देखो चढ़ना चाहिए, क्या गीता में भी क्या कहा है, ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मा को अवसाद माने नीचे नहीं गिराना चाहिए। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, इसको क्या करना चाहिए, ऊपर ले जाना चाहिए। बंदर है तो ये नारायणी नशा चढ़ने का गाया जाता है, नशन शब्द में है, नुकसान है, बिगर नशे नरको नारायण के, क्या अगर नरको नारायण बनने का नशा नहीं है तो नुकसान ही नुकसान है और नशों में। 13.264 की वाणी का 11वां पेज, नरको नारायण बनने का ज्ञान का नशा तो अभी बाप देते हैं, मनुष्य के पास तो ये ज्ञान का नशा है ही नहीं। एक है भक्ति का नशा, भक्ति का नशा चढ़ाने वाला है या उतारने वाला है, हैं? उतारने वाला है। हिस्ट्री क्या कहती है, हजारों साल से भक्ति करते चले आए, मन बुद्धि रूपी आत्मा ऊंचे स्तर में जा रही है या नीचे स्तर में जा रही है, घटती जा रही है। तो एक है भक्ति का नशा, ज्ञान का नशा चढ़ाने वाला तो एक बाप है जो नारायणी कुल को रचने वाला है। किसके कुल को रचने वाला है? जो नारायण का कुल है उस सारे कुल को रचने वाला, वो नारायण का कुल षष्ठी में पहले पहले होता है या मध्य में होता है या कलयुग के अंत में होता है? हैं?
पहले पहले होता है। कलयुग के अंत में बेहद का बाप आते हैं और नर को नारायण बनाते हैं, तो वो बाप है नारायणी कुल को रचने वाला। देखो कितने समय से ये गाया जाता है, नसन शब्द में है नुकसान, बिगड़े एक नशे नर को नारायण बनाने के। अब ये नामी ग्रामी तो है जरूर, क्या नशा, कौन सा नशा, नारायणी नशा, लक्ष्मी नारायण बने तो है ना, तो वो कैसे बने, वो तुम बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हो कि बरोबर ये नशा सिर्फ बाप से मिल सकता है। बेहद के बाप से ज्ञान का नशा मिलता है, जिससे इतना ऊंची सदगति होती है। तो हमारा भी सलाम ले जाना, वो भी गीत है ना, यहाँ हमारा भी याद किया, अभी सलाम तो हुआ मुसलमानी अक्षर रिकॉर्ड चला, तुम मात पिता स्वामी सखा, तुम ही हमारे रखवाले हो। बाहर वाले तो ये गीत गाते रहते हैं, प्रैक्टिकल में तुम्हारा रखवाला बना हुआ है क्या, भक्ति मार्ग में गाते हो, तुम मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही हमारे रखवाले हो, सिर्फ गाते हैं या उन्हें रखवाला मिलता है, वो तो सिर्फ गाते हैं, प्रैक्टिकल में तुम्हारा रखवाला तो बना हुआ है क्या, तुम्हें प्रैक्टिकल में मिला हुआ है या सिर्फ तुम गाते हो। और ब्रह्मा कुमारियां गाते हो, सिर्फ कहती हैं कि हमें मिला हुआ है, मिला हुआ है, फिर पूछो कहाँ है तो कहेंगे तू सूक्ष्म वतन में है, ब्रह्मा बाबा में है, गुलजार दादी में जब आएगा तब हम बताएंगे। तो देखो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कोई अक्षर है प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल। देखो हमारे पास अंग्रेजी पढ़ा हुआ इतना अच्छा नहीं है कोई, किसी ने कहा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, हाँ थ्योरेटिकल कहते हैं, तो दुनिया सभी है थ्योरेटिकल में और हम हैं प्रैक्टिकल में। हमको अभी बाबा का हाथ मिला हुआ है, हाथ माने हैं, हाथ माने क्या हैं, वो है साथ, बुद्धि में है माने साथ है, और हाथ मिला हुआ है माना श्रीमत रूपी हाथ मिला हुआ है, मत माने बुद्धि, बुद्धि माने हाथ, जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है ऐसे ही भगवान की बातें भी कैच की जाती है। तो देखो हमको बाबा का हाथ मिला हुआ है, वो खेवैया का हाथ मिला हुआ है क्या, हमारे इस शरीर रूपी नवैया को खेने वाला वो खेवैया, जो ये शरीर रूपी हमारी नैया विषय वैतरणी में पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है, विषय वैतरणी कहो विषय सागर कहो, उसमें नवैया पड़ी हुई है, वो बाप हमारा खेवैया है, कहाँ ले जावेगा, विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जावेगा। देखो अभी हम प्रैक्टिकल में, वो तो रड़ियां मारते रहते हैं, फिर रिकॉर्ड बजा, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। अभी दुनिया का जो पतित पावन है उसको ही खेवैया कहा जाता है, क्योंकि सारे संसार की नवैयाएं माने शरीर रूपी
नवैया कहाँ पड़ी हुई है? संसार रूपी विषय सागर में पड़ी हुई है। और बाप खेवैया है, क्योंकि पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने वाला है। अभी पतित दुनिया किसको कहा जाता है और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? हैं? पतित दुनिया माने जिस दुनिया वालों की मेंटेलिटी पतित हो जाए, मेंटेलिटी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में गिरती चली जाए, उसको कहेंगे पतित दुनिया। कोई भी मनुष्य मात्र, विद्वान आचार्य पंडित, देखो दुनिया में कितने हैं, करोड़ों के अंदाज में बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि पतित दुनिया किसको कहा जाता है और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? बताओ है? पतित दुनिया किसको कहा जाता है? जहां मेंटिलिटी गिरती जाती है, इतनी मेंटिलिटी गिर जाती है कि दुनिया को भस्म करने के लिए एटम बम बलाने लग पड़ते हैं। ये नहीं जानते एटम बम से हम भी भस्म हो जाएंगे। जैसे कोई आदमी पेड़ की डाल काट रहा हो, जिस डाल को काट रहा है उसी के ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या कहें, मेंटेलिटी अच्छी है या बोगस है? तो जरूर पतित दुनिया में पतित आदमी होगे, पावन दुनिया में पावन आदमी होगे। पतित दुनिया में जरूर गुण और लक्षण होंगे, नहीं पतित दुनिया में जरूर अवगुण और कुलक्षण होंगे, पावन दुनिया में पावन लक्षण होंगे। अब ये तो भारत में बिल्कुल ही सहज है समझाना कि पावन दुनिया में तो देवी देवताएं रहते थे, क्या कहां समझाना बहुत सहज है? क्यों? क्योंकि विदेशों में तो देवी देवताएं कभी हुए ही नहीं है। विदेशों में तो जितने भी हैं विदेश, उनमें राक्षस संप्रदाय पैदा हुए हैं एटम बम बनाने वाले, और भारत में प्रैक्टिकल में देवी देवताएं हुए हैं ना। तो ये समझाना भारत के लिए बहुत सहज है कि पावन दुनिया में तो देवी देवताएं रहते थे, सो भी देखो यहाँ भारत में रहते थे, नहीं तो मनुष्य देवी देवताएं कह करके पता नहीं कहां ना कहां ऊपर में चले जाते हैं। लोग क्या समझते हैं स्वर्ग कहां है? ऊपर में। नहीं, ऊपर में स्वर्ग नहीं है, इसी दुनिया में स्वर्ग था जो ऊंची स्टेज में रहते थे। क्या नीची मेंटेलिटी वाले नहीं थे? क्या कैसे ऊंची मेंटेलिटी में रहते थे? नीची मेंटेलिटी में नहीं रहते थे। मेंटेलिटी माने मन बार बार उनका नीचे नहीं जाता था, भ्रष्ट इंद्रियों में कहां जाता था, आत्मिक स्थिति में उनका मन जाता था, ऊंची स्टेज वाले थे। अभी आज 5000 वर्ष की बात है, यहां पावन महाराजा महारानी तथा उनकी प्रजा रहती थी, और यहां कलयुग में आजकल पतित महाराजा भी कोई नहीं है। क्या महाराजा ने तो छोड़ो, कोई राजा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सारी प्रजा, क्योंकि गायन किया ही जाता है राजा और रानी का, बरोबर हम जानते हैं द्वापर से लेकर के पतित महाराजा या महारानी हुए, पतित दुनिया होती है, पतित संप्रदाय आसुरी संप्रदाय, क्योंकि हम भारतवासी जानते हैं कि जो आसुरी संप्रदाय वाले पतित राजा रानियां हैं वो बड़े बार मंदिरों में जाकर के पावन दुनिया के पावन महाराजा महारानियां जो हो करके गए हैं उनको नमन करते हैं।
होकर गए हैं तब तो नमन करते हैं ना। तो देखो नमन करने वालों में और जिनको नमन करते हैं उनमें फर्क तो होगा ना, बरोबर फर्क है। नमते भी उन्हों को ही है, किनों को? श्री लक्ष्मी और नारायण को, राम और सीता को, वो त्रेता के वो सतयुग के। तो जरूर समझना चाहिए कि बरोबर सतयुग त्रेता में पावन महाराजा महारानी और राजा रानी होकर गए हैं और बरोबर ये जरूर पतित हैं आज की दुनिया के। तो जरूर पतित दुनिया में सभी यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित ही होगी। राजा रानी होते हैं सबसे बड़े होते हैं, हैं? महामंत्री से भी बड़ा, सेनापति से भी बड़ा, ऊंचे ऊंचे अधिकारियों से भी बड़ा और साहूकारों से भी बड़ा, और प्रजा वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान उन्हीं का होता है। ऐसे नहीं कहेंगे राजा रानी से बड़े कोई साधु संत होते हैं, नहीं, वो भी पतित दुनिया में रहते हैं साधु संत, परंतु फिर वो सन्यास करते हैं। सन्यास करके फिर भी गृहस्थ में पतित है बन करके जन्म लेते हैं। जन्म कहां लेते हैं? हैं? गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं। पतित गृहस्थ का अन्न खाते हैं तो कहां जन्म लेना पड़े? हैं? पतित दुनिया में जन्म लेना पड़े। तो जैसा फिर हम खाते हैं तो उनका एवजा उनको देना पड़ता है। तो देखो पतित दुनिया में पतित करने वाला कौन है? हैं? सन्यासी भी पतित बनते हैं, पतित दुनिया में जन्म लेते हैं, उनको भी पतित करने वाला कौन है? हैं? सन्यासी घर घाट का सन्यास करते हैं, पत्नी बीवी बच्चों का सन्यास कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या उनको मन से भूल जाते हैं कि मन में याद आता रहता है और बार बार याद आएगा तो अंत मते सुगति हो जाती है, तो फिर कहां जन्म मिलेगा? उसी दुनिया में जन्म मिलता है। तो देखो ये काम महाशत्रु है, बिख है ना। तो साधु संत महात्माएं जन्म जन्मांतर बिख से ही पैदा होते रहते हैं। ओम शांति।